इसका बम्पर मेरे को कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो क्या चक्कर है इसके पीछे ये बताओ। आफ्टर मार्केट है, इम्पोर्टेड किया हुआ बम्पर है। स्टार लाइट इसके अंदर मिल जाएगी। तो भाई इसमें वो भी है कि अपनी शूटिंग स्टार वाली है क्या, कौन सी है? तो ये है अपने क्रोम वाले अलॉय। अगर मैं प्रोफाइल दिखाऊं ना इसकी, तो इसकी प्रोफाइल है अपनी भाई ये री भाई 255/35 R20। तो भाई अपने 20 इंच की अलॉय व्हील है ना। गल बड़ी लंबी इथे मुकदी नी रे, तू भी मैनू देखदा नी अख भर के, भी मेरे कोले कदे रुकदी नी रे। अपना डेली व्लॉगिंग चैनल भी आपको भाई डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस आज की वीडियो हमारे साथ है हर्षु भाई। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? भाई बिल्कुल बढ़िया। और भाई ने ना गाड़ी देख लो भाई, पहले तो कितनी टंच बनाई है, एक नंबर लग रही है भाई। तो भाई सबसे पहले ये बताओ भाई अपनी गाड़ी का मॉडल वगैरह कौन सा? भाई ये 2020 मॉडल है, SX मॉडल, पेट्रोल पेट्रोल यानी कि टॉप मॉडल है ना भाई अपनी। तो भाई ये अपनी टॉप मॉडल है और ब्लैक कलर। तो भाई जैसे अपने ब्लैक कलर लिया है तो मेंटेन करना है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। मुश्किल है भाई। तो इसके लिए भाई आपने क्या सेरेमिक पीपीएफ क्या कराई हुई है? पीपीएफ हो रखी है पूरी गाड़ी। अच्छा पूरी गाड़ी भाई पीपीएफ। अगर दिखाऊं तो भाई, तो भाई अगर कुछ फायदे नुकसान लगे कि आपको पीपीएफ के, कैसे? नहीं फायदे ही फायदे, नुकसान ये थोड़ी मिट्टी हमेशा पकड़ के रखती है। अच्छा पीपीएफ हमेशा भाई ये देख लो, के लाए भी मिट्टी हो गई है पूरी गाड़ी, ये देख लो। तो भाई क्या खर्चा वर्चा आ गया था इसका अपना? अप्रोक्स पहले सेरेमिक हुई थी, पीपीएफ हुई थी, फिर उसके ऊपर सेरेमिक हुई थी। पीपीएफ के ऊपर भी सेरेमिक हुई है? अच्छा अच्छा। लगभग 70,000 रुपए की हुई थी पूरी टोटल, मतलब सेरेमिक और पीपीएफ वगैरह। सनरूफ पे भी कराई हुई है। अच्छा सनरूफ पे भी टोटल ओवरऑल सब में हुई है ना, दरवाजों के अंदर भी हुई है। तो अगर भाई स्टार्ट करूँ ना तो फ्रंट देख लो भाई सबसे पहले। तो भाई फ्रंट की इसकी ग्रिल भाई अपने डी क्रोम कराई हुई है, क्या कराया है एक बार ये बताओ थोड़ा सा। डी क्रोम कराई हुई है पूरी, डी क्रोम कराई हुई है और भाई ने अलॉय क्रोम लगवाए हुए हैं भाई, कैसे? बिल्कुल भाई ये तो है। तो अपनी भाई फ्रंट से डी क्रोम है, अपनी ग्रिल हो गई। तो भाई इसका बम्पर मेरे को कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो क्या चक्कर है इसके पीछे ये बताओ। आफ्टर मार्केट है, इम्पोर्टेड किया हुआ बम्पर है, ये इम्पोर्टेड हुआ अपना बम्पर है पूरा, बॉडी किट बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है भाई? यहाँ से स्टार्ट है भाई, यहाँ से देख लो और यहाँ तक है, नहीं तो बम्पर इसका बस इस तरह इतना रहता है ना भाई। तो भाई इतना देखा भाई सामने से भाई लाए, मैंने कहा इसका बम्पर इतना बड़ा कैसे है ना। तो भाई ये हो गया इसका बम्पर वगैरह। तो भाई कितने क्या कॉस्टिंग वगैरह आई थी? ये 17,000 के अप्रोक्स आया था। 17,000? 40,000 रुपए का हो चुका है। अच्छा 40,000 का ये भाई, मतलब जब भाई ने लगाया था जब 17 का था, अब 40,000 का हो चुका है ये। तो भाई और पीछे का भी था या फ्रंट ओनली? फ्रंट बैक दोनों है। मैंने अलग लगवाया इससे, इसके साथ हो जाए वो अच्छा नहीं था। अच्छा अलग लगवाया हुआ है, इससे अलग लगवाया हुआ है, तो वो भी दिखाएंगे अभी। तो पहले ये देखो भाई अगर फोग लैम्प की बात करो तो भाई फोग लैम्प में क्या अपनी एलईडी एच आई डी क्या है? इसमें एलईडी लगी हुई है अलग से, वो भी। अच्छा अच्छा। तो भाई रोशनी के लिए, क्योंकि भाई इसकी ना मेरे बंदे कहते हैं भाई इसकी हेडलाइट की इतनी रोशनी है नहीं, हेडलाइट की इतनी नहीं है, लेकिन जो नीचे उसकी और भी ज्यादा है इससे। अच्छा इससे और भी ज्यादा लगवाई थी। अच्छा अच्छा। तो भाई वो कितने की लगी थी अपनी एलईडी? वो भी लगभग 8,000-9,000 रुपए की लगी थी, 8,000-9,000 के आसपास की लगी थी। और मैं नीचे दिखाऊं तो अपने फ्लैशर लगे हुए हैं भाई पीसीआर वाले। तो ये हो गया इधर भाई, और कुछ भी है क्या फ्रंट में अगर कुछ भूल रहा हूँ तो? मैं फ्रंट में भाई सायरन वगैरह, सायरन लगा हुआ है अभी, वो भी दिखाएंगे ठीक है ना। तो ये हो गई फ्रंट की लुक। अब बैक में आते हैं सीधा, अगर पीछे दिखाऊं तो भाई इधर हो गई अपनी पिलर लाइट्स हो गई ये देख सकते हो। और अगर जैसे भाई ने बताया था कि अपने भाई अलग से वो लगा हुआ है अपनी, बिल्कुल रिफ्लेक्टर हो गए अपने और ये ABS गार्ड लगा हुआ है अपना पूरा, ये देख सकते हो डिफ्यूजर के साथ। तो ये देख सकते हो। तो भाई ये कितने का लगा था अपना? ये भी अप्रोक्स इतने का ही था,
16-17 हजार में है ना, ये अलग था तो इसलिए अलग ही लिया था हमने, वो जो इसका फ्रंट वाला है वो रखा हुआ है घर पे। अच्छा अच्छा, मतलब इसका फ्रंट अलग रखा है, उसका बैक अलग रखा है। तो भाई ये देखो रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं पीछे से कुछ इस तरीके की। अब मेन चीज आप बोल रहे होगे तरुण भाई, यार अलॉय तो दिखाओ, अगर अलॉय दिखाना चाहूँ ना भाई, ये देखो इधर क्रोम मिल जाएगा, इधर क्रोम और इधर क्रोम, इधर क्रोम। तो ये है अपने क्रोम वाले अलॉय। अगर मैं प्रोफाइल दिखाऊँ ना इसकी, तो इसकी प्रोफाइल है अपनी भाई ये री भाई 255/35R20। तो भाई अपने 20 इंच की अलॉय व्हील है ना भाई, ने आगे से क्रोम पूरा हटा दिया, साइड में पूरा क्रोम मिल जाएगा ये देख लो। तो भाई कितने के क्या पड़े थे आपको ये? टाइम पे 1,00,000+ के पड़े थे अप्रोक्स, मतलब याद नहीं है टोटल कितने के थे, 1,00,000+ में ही थे, मतलब 1,00,000+ के थे। तो ये 20 इंच थे, मेरे को लग रहा भाई ने अभी बहुत पहले डलवाए थे, है ना, पहले डलवाए जब चले चले थे, है ना भाई, स्टार्टिंग थी, सबसे पहले इसी में लगे थे क्रोम वाले, है ना। तो ये देख लो भाई बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो एवरेज वगैरह भाई क्या निकाल रही है? एवरेज 6-7 लोकल में, 8-9 हाईवे पे, 8-9 हाईवे पे। तो अगर भाई बंदे कहते हैं कि भाई 100 के बाद बबलिंग वगैरह करते, तो ऐसा है क्या? तो जैसे भाई ने ना प्रोफाइल भी बहुत ही कम कराई है, और भाई की डेली रनिंग भाई बहुत ज्यादा है, तो भाई मतलब ओवरऑल मतलब वर्थ इट है, वर्थ इट है। बंदे एक तो भाई ने ना टॉप मॉडल लेके ऊपर से नहीं है, बस और कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, तो भाई जैसे अलॉय व्हील आपको चेंज करवाना था, तो भाई टॉप मॉडल ही क्यों लिया भाई आपने? टॉप एंड मॉडल तो एक्सेसरीज के लिए लिया था, फीचर्स के लिए लिया था, जैसे सनरूफ वगैरह है ना, अच्छा सिस्टम लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, और आगे की बहुत सारी चीजें है इसमें, आगे की हेडलैम्प हो गई, पीछे की टेल लैम्प हो गई, हाँ। बहुत सारी चीजें है ऐसी, नहीं तो भाई बेस लेके फिर उसको करवाने में वो मजा नहीं आएगा ना। भाई ये हो गए अपनी साइड लुक। तो अंदर की बात करें तो अंदर से भाई ने पूरी रोल्स रॉयस वाली बना रखी है। तो अंदर आ जाओ भाई, एक बार अंदर से दिखाते हैं आपको भाई किस तरीके क्या है। बहुत बढ़िया इंटीरियर देख सकते हो आप इसका, अगर लाइट्स ऑन कराए ना तो ये देख लो भाई, तो ये देखो भाई अपनी स्टार लाइट इसके अंदर मिल जाएगी। तो भाई इसमें वो भी है कि अपनी शूटिंग स्टार वाली है क्या, कौन सी है? नहीं, इसमें कलर चेंजिंग स्टार लाइट्स है, अच्छा। बाकी एम्बिएंट लाइट्स है, सीट कवर चेंज है, और इसमें वूफर लगे हुए है, मोनो एम्प लगा हुआ है। तो वूफर भाई इसमें कौन सा है अपना? इसमें वूफर रॉकफोर्ड का है, रॉकफोर्ड का। एक बार दिखाएं, हाँ जी। तो एक बार भाई आपको ना वूफर भी दिखा दें किस तरीके का क्या अपना वूफर रहने वाला है रॉकफोर्ड का, जैसा भाई ने बताया। तो ये देखो भाई ये अपना बूफर रॉकफोर्ड का ना, पूरा सेट है ना, कोई ला नहीं सकते कहीं से भी, पूरा सेट है ये। अच्छा पूरा सेटअप करवा रखा है बढ़िया तरीके से। तो भाई कितना आरएमएस बताया आपने? 750 RMS। 750 RMS। अंदर आते हैं एक बार आपको दिखाते हैं, भाई अंदर आ जाओ। एम्बिएंट वगैरह लगी हुई है प्रॉपर बढ़िया तरीके से, ऊपर अपनी स्टार लाइट्स हो गई। तो भाई इसमें क्या खर्चा आ गया था अपने स्टार लाइट्स वगैरह में? इसमें भी उस टाइम पे लगभग 20+ के खर्चा आया था, क्योंकि इसमें लाइट्स के भी ऑप्शन आते हैं, कलर रखना है आपका, मल्टीपल कलर रखना है, इसमें मल्टीपल कलर है सारे, ये देख लो भाई मतलब सारे ओवरऑल है ना। तो एम्बिएंट वगैरह हो गए, ये देख सकते हो एम्बिएंट लाइट हो गई, सीट्स कवर हो गए, बिल्कुल। तो भाई एम्प वगैरह मतलब अपने कितने लगे हुए इसमें? एम्प इसमें 2 लगे हुए हैं, एक मोनो एम्प लगा हुआ है, एक 4-चैनल एम्प। डोर की बात करें तो भाई डोर में अपना क्या क्या लगा हुआ है भाई? डोर में यहाँ पे JBL के ट्विटर लगे हुए, नीचे नाकामिची के कंपोनेंट लगे हुए, कंपोनेंट लगे मतलब दो पेयर अपने भाई कंपोनेंट लगे हुए हैं। बूफर आपको दिखाई दिया, तो भाई आपको आउटपुट सुनाने वाले कि भाई किस तरह की आने वाले, तो अपनी सॉन्ग प्ले कर देते हैं। आपके भाई पंजाबी सॉन्ग की आवाज, अब आपको ना भाई लो बेस वाला सॉन्ग सुनाते हैं, जिसमें आपको भाई पूरा प्रॉपर बेस पता चलेगा कि भाई बूफर कितना बेस मार रहा है अपना, कितना नहीं। तो ईयरफोन लगा लो दोबारा से, फिर अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं।
भाई सिस्टम तो भाई बहुत क्याड़ा बज रहा है भाई अपना, है ना भाई, एक नंबर वाला। तो भाई अब ये बताओ, टोटल ओवरऑल हमने सारी चीजें दिखा दी है ना, तो भाई अब कितना खर्च कर दे पूरी गाड़ी? भाई पूरी गाड़ी पे अब तक 3.5 से 4 लाख रुपए लग चुका है। 3.5 से 4 लाख रुपए लग चुका है भाई, वर्थ है मतलब, इतना वर्थ है पूरा पूरा वर्थ है मतलब भाई, बहुत ही तगड़ी बनाई हुई है। आपने देखी होगी कभी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई आपको कैसी लगी। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।